राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए सर्वस्व निशावर करने वाले वो क्रांतिवीर जिनको इतिहास में कहीं भी नहीं दिखाया गया, एक नहीं अनेक। और मैं जो दे रहा हूँ 190 वर्ष का, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से आने से लेकर ब्रिटिशर्स के जाने तक का एक महान विलक्षण क्रांतिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का केवल 190 वर्ष का इतिहास आप लोगों के सामने ला रहा हूँ। 465 वीडियोज आप तो दे चुका हूँ। इस सारे कालखंड में मैं वही लोग आपके सामने ला रहा हूं, वही क्रांतिवीर आप लोगों के सामने ला रहा हूं जिनको कहीं भी किसी भी तरह से दूर दूर तक ये समाज नहीं जानता। और उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका त्याग, उनकी तपस्या, उनका संघर्ष, उनकी कुर्बानी, उनका बलिदान, जीवन के आखिरी श्वास तक, भले वो जीवन छोटा था लेकिन आखिरी श्वास तक संघर्ष करते रहने वालों का, कष्टकारक सजाएं भुगतने वालों का, घोर नारकीय काला पानी की सजाएं काटते काटते वहीं पर 90% गए हुए उन क्रांतिवीरों का मर खप जाना, वहीं पर फांसी के तख्तों पर झूलना, गांव के गांव जला दिए गए, इस 190 वर्ष के इतिहास के मैं आपके सामने 600-700 ऐसे लाने का सोच रहा हूँ और 465 वीडियो में दे भी चुका हूँ। 600-700 ऐसे मैं दे पाऊंगा ऐसा मुझे लगता है। एक एक का जीवन रोंगटे खड़े कर देने वाला। और इसी सारी श्रृंखला में, उन अज्ञात नायक और नायिकाओं की श्रृंखला में लगभग 50-60 महिलाएं भी मैंने आपको दी होंगी। वो महिलाएं जो किसी भी पुरुष क्रांतिकारी से कहीं भी पीछे नहीं थी और उस समय समाज की जो अवस्था थी जो आज से काफी भिन्न थी, कई तरह की पाबंदियां थी और कई तरह की सीमाएं थी महिलाओं के लिए, वो सब होते हुए भी भारत माँ की स्वतंत्रता में अपना योगदान डालने के लिए तत्पर, हमेशा तत्पर, ऐसी कुछ महिलाओं को भी मैंने आपके सामने रखा है। आज भी उसी श्रृंखला में एक ऐसी ही महिला क्रांतिकारी को आपके सामने ला रहा हूं, दो एपिसोड के अंदर ला पाऊंगा। आज उस महिला का, उस महान क्रांतिकारी नायिका का मैं आरंभिक जीवन, आरंभिक यात्रा रखूंगा और कल से उनके जो कमाल के कारनामे थे वो हमारे सामने आएंगे। आज जिस महान नायिका को मैं आपके सामने ला रहा हूं, श्रीमती प्रकाशवती पाल, प्रकाशवती पाल इस नाम की महिला उस महान क्रांति यज्ञ में कैसे अपने आप को आहुत कर रही है, आइए जरा बड़े हम इस और इस यात्रा की ओर। लाहौर के एक कन्या महाविद्यालय में अध्यापिका प्रेमवती अपनी कक्षा को पढ़ा रही थी, अपनी क्लास को। एक प्रसंग में प्रेमवती जी ने बताया कि भाई, अपने छात्रों को बताते हुए ये कहा कि हर तरह से हमारा देश महान है लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य, बस यही कहा जाएगा कि आज वे पराधीन है। लेकिन ये भी सत्य है कि भारत की राजनीतिक पराधीनता के पाश को काटने के लिए हर युग में प्रयत्न होते रहे हैं, प्रयत्न किए जाते रहे हैं।
वे प्रयत्न आज भी किए जा रहे हैं, प्रेमवती जी अपनी कक्षा में पढ़ा रही हैं। हमारा पंजाब भी इस प्रकार के प्रयत्नों में पीछे नहीं है। बात लाहौर की चल रही है और लाहौर पंजाब में था, तब एक ही पंजाब था, या अमृतसर लाहौर साइकिल से लोग जाया करते थे। लाहौर क्रांतिकारी गतिविधियों का बहुत बड़ा केंद्र था। पंजाब भी पीछे नहीं है ये कहते ही अध्यापका जी ने अपना वक्तव्य अभी समाप्त भी नहीं किया था, या यूं कहिए कि समाप्त होते ही एक छात्रा ने, एक स्टूडेंट ने प्रश्न किया, दीदी हमारे पंजाब में कौन से प्रयत्न हो रहे हैं? प्रश्न सुनकर अध्यापिका तनिक सकपका गई, आश्चर्य में हो गई, स्तंभित हो गई। उन दिनों पंजाब क्रांतिकारियों गति क्रांतिकारी गतिविधियों की एक तरह की लहर चल रही थी। वे कक्षा के उसने कहा कि ये सारा कुछ कक्षा के अंदर इतनी सारी जानकारी नहीं मैं दे पाऊंगी, लेकिन चल रही है यहाँ भी गतिविधियाँ। भाई टालने की दृष्टि से अध्यापका जी ने बोला, प्रेमवती जी ने क्या बोला, भाई उसका जिसने प्रश्न किया था उसका नाम था प्रकाशवती पाल। अध्यापका को जिसने प्रश्न किया कि बताओ पंजाब में क्या हो रहा है, हमें भी बताओ जरा। तब उन्होंने कहा कि देखो इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत समय लग जाएगा, अभी तो अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। इस विषय में जिनको रुचि है वे रिसेस में या कक्षा के अंत में छुट्टी के समय वो आ जाए, हम उस पर चर्चा करेंगे। अब ये तो समझ में आ गया कि जिसने प्रश्न किया प्रकाशपति ने किया और उसी की आज हम चर्चा कर रहे हैं। प्रकाशवती के साथ एक और उसकी सहेली आई साथ में, लज्जावती, और दोनों ने प्रेमवती अध्यापिका के साथ चर्चा शुरू कर दी। एक दिन अध्यापिका को पकड़ करके जैसे ही उन्होंने ये चर्चा आरंभ की कि बताइए हमें, तो प्रेमवती ने उस विषय की चर्चा छेड़ दी और प्रेमवती ने उन दोनों को योग्य समझकर पहले तो क्रांतिकारी गतिविधियों का सामान्य परिचय दिया, पर बाद में उन्हें बता दिया कि लाहौर में क्रांतिकारी लोग सक्रिय हैं और उन्हें बम बनाने तथा हथियार खरीदने के लिए समय समय पर धन की आवश्यकता भी होती है। बस अब तो क्या था, प्रभावती अपनी सहेलियों के साथ एक नया दल बनाकर और वो काम करने लग पड़ी, जुड़ गई, जुड़ना चाह रही थी, और प्रेमवती के माध्यम से एक नया दल बना करके प्रेमवती जो अध्यापिका थी उनके माध्यम से क्रांतिकारियों को आर्थिक सहयोग भी देना आरंभ कर दिया कि ये तो करिए, ये तो हम कर सकते हैं। एक दिन प्रभावती जिनकी आज हम प्रकाशवती जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, प्रकाशवती उसने इच्छा व्यक्त की कि मुझे क्रांतिकारी दल में शामिल होना है। बड़ी इच्छा प्रबल हो गई उनकी, मैं भी क्रांतिकारी दल में सम्मिलित हो जाऊं, ऐसा एक पूरी तरह से मन में आ गया।
उसने अपनी ये इच्छा प्रेमवती अध्यापिका के सामने रखी। प्रेमवती ने उसे एक पत्र दिया और क्रांतिकारी जशपाल से मिलने के लिए निर्देशित किया। क्रांतिकारी जशपाल, जिसके मैं कई एपिसोड दे चुका हूं, महान क्रांतिकारी, हिमाचल की नदौन, ब्यास नगरी के बसे नदौन कस्बे के, तहसील के एकदम पास के गांव में, कमाल के क्रांतिकारी, साहित्यकार भी और बम बनाने में बहुत एक्सपर्ट, और कई फैक्ट्रीज उसने बम की देश के कई शहरों में जशपाल जी ने बनाई थी। अब पत्र दे दिया और जशपाल जी से मिलने के लिए कहा गया। जशपाल से भेंट करके उसने प्रकाशवती ने प्रेमवती का पत्र जो था वो उनको दे दिया। क्या आप जब ये प्रेमवती का पत्र उनको दिया तो ये बोली प्रकाशवती कि मैं ऐसे ऐसे क्रांतिकारी दल में शामिल होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को ये संदेह है कि मैं क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न हूँ और इसीलिए वे हमारे पैरों में बेड़ियां डाल देना चाहते हैं। जशपाल जी ने थोड़ा सा जरा बात तो समझ गए थे वो। जशपाल ने पूछा, बेड़ियों से आपका क्या तात्पर्य है भाई? और प्रकाशवती का उत्तर था, क्या आप इतनी सी बात भी नहीं जानते? जब माता पिता अपनी संतान को किसी विशेष कार्य से छुड़ा करके और उसको अलग करना चाहते हो तो वो शादी कर देते हैं। और बोला, जी हाँ, शादी उन्होंने एक स्थान पर मेरी शादी तय कर दी है। तो जशपाल जी ने थोड़ा सा सब जानते हुए कि क्या इनके मन में क्या है, तो इसमें बुराई क्या है, जशपाल जी ने बोला, सभी लड़कियों की शादी होती है, आप भी शादी करके वैवाहिक जीवन का आनंद लीजिए। सुखी जीवन का मार्ग छोड़कर आप कांटों भरा जीवन क्यों अपनाना चाहती है? कंटकाकित मार्ग क्यों अपनाना चाहती है? लेकिन प्रकाशवती ने कहा, देखिए, मैंने निश्चय कर लिया है क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होने का। क्रांतिकारी दल में सम्मिलित होकर मैं देश की सेवा करना चाहती हूं, करूंगी। जशपाल जी ने कहा, देखिए ये प्रकाशवती जी, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं। मैं ये वादा तो नहीं करता कि मैंने आपको क्रांतिकारी दल में सम्मिलित कर लिया है। पंजाब संगठन के हमारे जो साथी लाहौर में हैं, उनसे मैं आपको मिलाई देता हूं, उनके परामर्श से आपको पार्टी में भर्ती करने का निर्णय किया जाएगा। जशपाल जी ने पंजाब के संगठन कार्यकर्ताओं से प्रकाशवती को मिला दिया। प्रकाशवती को पार्टी में सम्मिलित करने की अनुमति दे दी गई प्रकाशवती को। प्रकाशवती पर उसके पिता की काफी पाबंदी थी, उसे घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। एक दिन अवसर पाकर अपने मकान की छत से, पार पड़ोस के मकान की छत पर कूदकर एक गली में पहुंची और उस गली से निकलकर अपना घर छोड़ दिया हमेशा के लिए। वह अपने पिता के नाम एक पत्र छोड़ गई। उसने लिखा था पत्र के अंदर, देश के कार्यों में भाग लेने के लिए वे हमेशा के लिए अपना घर छोड़ रही है। जब पहुंच गई पार्टी के पास तो पार्टी ने पहले प्रकाशवती को क्रांतिकारी गतिविधियों और उसके तौर तरीकों का प्रशिक्षण दिया और फिर
गोपनीय पर्चे आदि बांटने का काम प्रकाशवती से लिया जाने लगा। धीरे धीरे प्रकाशवती क्रांतिकारी कार्यों में दक्ष हो गई, निपुण हो गई, एक्सपर्ट हो गई। अभी असली यात्रा तो अब शुरू होगी। अभी तो प्रकाशवती बन रही थी, प्रकाशवती को बनाया जा रहा था। हाँ, क्रांतिकारी गतिविधियों में कभी भी किसी भी युग में ये सारी फेजेस आती ही आती हैं, किसको सम्मिलित करना, किसको करना कि नहीं करना, और कई बार हो जाने के बाद भी और भी कई तरह के चांसेस रहते हैं। मैंने कई वीडियोज आप तक पहुंचाई हैं, और उनके अंदर ऐसे लोग जो पहले तो बहुत उसमें, और बाद में शायद कुछ लोग, बहुत कम लोग, वो सहन नहीं कर सके यातनाओं का, वो यात्राओं की पराकाष्ठा। तो ऐसे सब तरह के उदाहरण मैंने आपके सामने रखे हैं। लेकिन हर युग में जब भी कोई क्रांतिकारी लोग काम करने के लिए निकले हैं तो जाना तेली पर लेके निकले हैं। जो भी निकला है ऐसे ही पत्र, कोई माता के नाम, कोई पिता के नाम लिख के निकला है। आज भी इस प्रकार का जब इरादा संकल्प लेके कुछ लोग निकलते हैं तो उनको ये सब करना पड़ता है। मैं भी जब 17 साल की आयु में संघ का प्रचारक के नाते निकला था तो निकलते समय नहीं, अपने कार्यक्षेत्र में पहुंच करके माता जी को पत्र लिख करके बताया था। मुझे पता था कि मैं पूछूंगा, आज्ञा लूंगा तो मुझे नहीं मिलेगी। बस माँ है तो माँ को ये रहना चाहिए कि मेरा बेटा जिंदा है, ठीक है, स्वस्थ है, और 2 साल तक मैं घर नहीं आया था। तो इस प्रकार से ये हर युग में हर इस प्रकार के लोगों को अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ता है, अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। कुछ भी बना बनाया नहीं होता भाई। कई तरह की परीक्षाएं, कई तरह की चुनौतियां, कई तरह के कष्ट, कई तरह का, और फिर जब आप अंडरग्राउंड जीवन में जी रहे हैं तो बहुत ही भयंकर कष्ट उठाने पड़ते हैं। जेल के अंदर है तो भी फांसी के तख्ते पर, काला पानी जेल के अंदर, ये हर युग में हर लोग तरह के क्रांति वीरों को, देशभक्तों को ये सब सहना ही पड़ा है। मैं जिन अज्ञात क्रांति वीरों को, वीरांगनाओं को, नायक नायिकाओं को आपके सामने ला रहा हूं, उसी श्रृंखला में आज प्रकाशवती का पहले एपिसोड के अंदर जितना भी मैं दे पाया हूं, कल इस यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इन क्रांति वीरों को, नायक नायिकाओं को श्रद्धांजलि देने का काम, स्मरण करने का काम, सिर्फ इसलिए कि आज की पीढ़ी को पता हो कि हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे वो त्यागी बलिदानी, वो सब तरह का कष्ट उठा करके भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए खुद कट जाने वाले ऐसे क्रांतिवीर, देशभक्त, पुत्र सुपुत्रियां, मैं उन नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का जो प्रयास कर रहा हूँ, ये मेरा प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।